सो गाइज, अगर आप भी शेयर चैट चैटरूम यूज़ करते हैं तो आज की वीडियो में हम यही आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप शेयर चैट चैटरूम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे आप उसके अंदर गिफ्टिंग का ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजनी होती है। कैसे भेजेंगे, क्या प्रोसेस है, इसको समझना पड़ता है। कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे शेयर चैट चैटरूम में गिफ्टिंग वाला ऑप्शन। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए, रेगुलर अपडेट आपको वहीं पर मिलती है एवरी डे। इवन Q&A सेक्शन भी वीकली होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन से उठाकर फॉलो कर लीजिएगा। हम यहाँ पर शेयर चैट की बात कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप चैटरूम यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये ज़्यादा ऑडियो प्लेटफॉर्म है। ज़्यादा ऑडियो प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि इस पर आप वीडियोस भी बना सकते हैं, बट चैटरूम के अंदर सिर्फ ऑडियो वर्चुअल होता है। ऑडियो वर्चुअल गिफ्टिंग भी होती है और ऑडियो मीटअप भी होता है। आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं और लोगों से बात कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, मैं पूरी बात इस पर नहीं बताने वाला। हमारा सिंपल सा थॉट है कि हम इस पर एक अप्लाई करना चाहते हैं अपना गिफ्टिंग वाला ऑप्शन। कैसे कर सकते हैं, अगर आप अपने शेयर चैट चैटरूम में जाते हैं तो ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने शेयर चैट चैटरूम का गिफ्टिंग ऑप्शन एनेबल करें। अगर आप इसको एनेबल कर देते हैं, एनेबल मीन्स कि अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका प्रोसेस हो जाता है और अंडर रिव्यू हो जाता है आपका ये चैटरूम। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको भी समझें। आपको रेगुलर day 1 day यानी कि एवरी डे आपको कम से कम 15 मिनट तक अपने चैट रूम में एक्टिव रहना है, ऑडियंस से इंटरेक्ट करना है। जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन पर ये लिंक अप्लाई करो, यानी कि वहाँ लिंक से लोगों को अपने पास बुलाओ। आपके चैट रूम में लोग होने चाहिए, कहने का मतलब है जिस वक्त आप एक्टिव हैं उस वक्त लोग होने चाहिए, क्योंकि शेयर चैट कुछ टाइम के लिए आपकी प्रोफाइल को रिव्यू में लेता है, आपके चैट रूम को रिव्यू में लेता है। और वो जब देखता है कि इसके पास ऑडियंस का इंट्रैक्शंस अच्छा है तो हम इसके प्लेटफॉर्म पर इस चैट रूम में गिफ्टिंग ऑप्शन को अनेबल कर देते हैं। ऐसे शेयर चैट आपके चैट रूम में गिफ्ट ऑप्शन को अनेबल कर देता है। इतना समझ में आ गया हो तो आपको ये भी बता दूं कि आप जब गिफ्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपका शेयर चैट चैटरूम सिर्फ ऐसा होता है, ये नॉर्मल चैटरूम है जो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन अगर इसमें गिफ्टिंग का ऑप्शन अनेबल हो जाता है तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ये हमारा गिफ्टिंग चैटरूम है, यानी कि ये मेरा भी गिफ्टिंग चैटरूम है। आप लोग अपना फ्री टाइम बताइएगा ताकि हम भी इस चैटरूम में जुड़ सकें और आप लोग आ सको उस टाइम पर, ये टाइम बता देना। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि इसके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, चीज़ें अलग अलग हैं। आपको अलग अलग गिफ्टिंग यहाँ पर मिल रही है, अलग अलग इमोजीज़ हैं इसके अंदर। आप इसमें लूडो खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, है ना, अंताक्षरी वगैरह, जो भी आपको करना है आप इस चैट रूम में कर सकते हैं। लेकिन पहले प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है, पहले गिफ्टिंग ऑप्शन को अप्लाई करना पड़ता है। और अब बात करते हैं कि इससे होता क्या है। इससे सिंपल सा थॉट है कि आपको इससे अर्निंग होती है। अच्छी अर्निंग होगी जब आपको अच्छी वर्चुअल गिफ्टिंग यानी कि गिफ्टिंग करेंगे लोग, और जब गिफ्ट देते हैं तो वही आपके कॉइन्स बनते हैं एंड सेम कॉइन्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं अमाउंट में, जो आप अपने बैंक में इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये है हमारा शेयर चैट चैटरूम, जिसमें हमने आज आपको ये बताया है कि आप कैसे अपने गिफ्ट ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और शेयर चैट की कौन कौन सी वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखी या सोचते हैं कि इस पर एक टॉपिक होना चाहिए, ये हमें बताना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के शेयर चैट के लिए।